हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम DFCCIL सिविल एग्जीक्यूटिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2016 में पूछे गए हैं उसका पार्ट टू करने वाले हैं। पार्ट वन में हम ऑलरेडी टॉप के जो क्वेश्चंस थे वो कर चुके थे, पार्ट टू में हम अगले क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई स्टील इज कॉमनली यूज्ड एज गुड रेनफोर्सिंग मटेरियल। बोल रहा है कि जो स्टील है वो क्यों एक गुड रेनफोर्सिंग मटेरियल माना जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए जो है इट इज चीपली अवेलेबल इन बल्क, थर्मल कॉफिशेंट इज नियरली इक्वल टू कॉन्क्रीट, इट पजेसेस लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट डेवलप्स गुड बॉन्ड विद कॉन्क्रीट। तो जब भी हम देखते हैं कि स्टील हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्टील का जो रीजन होता है इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टील इज हाईली डक्टाइल मटेरियल। क्या होता है, स्टील जो है डक्टाइल मटेरियल होता है जो कि बिल्डिंग में डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट, एंड इट कैन डिफॉर्म विदाउट लूजिंग इज टफनेस। इसका विदाउट लूजिंग टफनेस जो है ये डिफॉर्म कर सकता है, जो कि कॉन्क्रीट में नहीं होता है, क्योंकि कॉन्क्रीट क्या होता है, कॉन्क्रीट जो होता है वो होता है ब्रिटल मटेरियल। ओके, कॉन्क्रीट क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू द बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन। सो बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन में जो है वो स्टील का मॉडुलस प्लास्टिसिटी वो सेम होता है, एंड कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इज ऑलमोस्ट सेम फॉर द स्टील एंड कॉन्क्रीट। बेसिकली जो स्टील एंड कॉन्क्रीट का जो सेम थर्मल एक्सपांशन होने का रीजन जो है ये क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि जब भी किसी भी सेक्शन में मान लीजिए आपका बीम है, ओके, इस बीम में आपका रेनफोर्समेंट है, और जब थर्मल एक्सपांशन होगा, टेम्परेचर जो है वो आप इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इसमें एक्सपांशन होता है, राइट, एक्सपांशन होगा। और अगर आपका थर्मल कोफिशियंट जो है कॉन्क्रीट का और स्टील का वो सेम नहीं हुआ, राइट, कॉन्क्रीट और स्टील का सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉन्क्रीट और स्टील का अगर सेम नहीं हुआ तो उसमें क्रैक्स हो जाएंगे, क्रैक्स होंगे कि नहीं होंगे, तो इसीलिए हम जो है उसमें ये होना आपका बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो इसमें ए बी और सी, सी इसमें नहीं होगा, क्योंकि सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है कि इट पजेसेस लो टेंसाइलेशन, जबकि ये जो है स्टील वो इसमें हाई टेंसाइलेशन प्रोवाइड करता है टू द कॉन्क्रीट। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एंड एवरीथिंग, ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following statements is or are not correct as per the requirements specified by IS 383/1970 for an ideal aggregate used for manufacturing of concrete? Okay, तो बोल रहा है कि इनमें से IS 383/1970 से एक ideal aggregate के लिए कौन सा जो options है इन चारों में से वो correct नहीं है, okay, requirement को fulfill नहीं करता है। तो first option है, it should be hard, strong and durable। ये क्या होना चाहिए, आपका hard, strong और durable होना चाहिए। It should contain flaky and elongated pieces। इट शुड बी डेंस, क्लियर एंड फ्री फ्रॉम एनी कोटिंग, एंड इट शुड कंसिस्ट ऑफ नेचुरल स्टोन्स। तो इसमें जो आप देख लीजिए, इसमें जो है इनकरेक्ट जो है वो है बस सिर्फ आप इलोंगेशन, इलोंगेटेड एंड फ्लैकी पार्टिकल्स जो पीसेज है वो नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी पॉइंट्स है वो आपके करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द शियर स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल, वॉट इज और आर द करेक्ट रीजन ड्यू टू विच द शियर रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल अकर्स। तो बोल रहा है जो शियर रेजिस्टेंस है इन द सॉइल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से कौन सा रीजन, इन तीनों में से कौन सा ऐसा रीजन है जो कि जिसके कारण शियर रेजिस्टेंस सॉइल में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका दिया हुआ कोहेजन, सेकेंड दिया हुआ स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस, और थर्ड दिया हुआ फ्रिक्शन। तो इनमें से जो है वो जो रीजन है वो है आपका तीनों रीजन, ए बी सी ऑल रीजंस आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द सीयर रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल। तो जो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख लीजिए, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ओके, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अकाउंट फॉर ग्रेन टू ग्रेन फ्रिक्शन एंड इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स। सो ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द बिटवीन द पार्टिकल्स वहाँ पर क्या होगा, जो सीयर स्ट्रेंथ उस सॉइल में होगा, ओके, दैट मीन्स द स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस डेवलप होगा, जिसके कारण वहाँ पर सीयर रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट वन इज द कोहेसिव रेजिस्टेंस। कोहेसिव रेजिस्टेंस क्या होता है, कोहेसिव रेजिस्टेंस होता है दो टाइप का, इसमें होता है ट्रू कोहेजन एंड एक होता है एपरेंट कोहेजन। सीयर रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल जो है ड्यू टू फ्रिक्शन, कोहेजन एंड स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस, तीनों के कारण आपका होता है। तो यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट है, राइट। चलिए अगले भाग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स। ओके, तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा जो है वो स्टोन्स का गुड क्वालिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 1000 kg/cm², स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन 8 एंड स्टोन शुड बी वेल सीजन बिफोर पुटिंग इन टू यूज। तो इसमें जो है आपका देख लीजिए, यहाँ पर कुछ बिल्ड स्टोन्स के प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर मैंशन किए हुए हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो ऑलवेज 1000 kg/cm² ज़्यादा होना चाहिए और 100 Nm² से ज़्यादा होना चाहिए किसी भी स्टोन का, बिल्डिंग में जो भी आप स्टोन को यूज़ कर रहे हो उसका स्ट्रेंथ जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इतना मिनिमम होना चाहिए, राइट।
सेकेंड इज द हाई ड्यूरेबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो है वो मोर देन 40 होना चाहिए. स्टोन शुड बी वेल सीजन बिफोर पुटिंग इन टू यूज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 2.7, टफनेस इंडेक्स मोर देन 13 एंड लो वाटर एब्जॉर्प्शन. तो आप यहाँ पर देखिएगा कि इसमें जो है आपका ऑल द ऑप्शन जो है तीनों जो है वो आपका करेक्ट है, क्योंकि कास्टिंग स्टोन मोर देन 1000 kg पर मीटर स्क्वायर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 8 है. तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपका होना चाहिए कितना, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए आपका 2.7. तो ये भी ऑप्शन सही है, और स्टोन शुड बी वेल सीजन बिफोर पुटिंग द इन टू द यूज. तो ये ऑप्शन भी आपका जो है वो करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट में चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर. तो बोल रहा है कि इस तीनों सेंटेंस में से कौन सा जो ट्रू है एडवांटेज अबाउट द प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर. इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है, इन द प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड. बोल रहा है कि प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम जो है वो कम होता है. प्री स्ट्रेस डिक्रीजेस क्रैक इन कॉन्क्रीट अंडर ऑल स्टेजेस ऑफ लोडिंग. एंड थर्ड है कि प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट रिक्वायर ओनली 1/3 ऑफ द कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड फॉर द आरसीसी. तो बोल रहा है कि जो कॉन्क्रीट रिक्वायरमेंट होता है इन द केस ऑफ आरसीसी वो प्री स्ट्रेस में 1/3 हो जाता है. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें देखिएगा आपकी इसमें जो है तीनों ऑप्शन क्या है वो सही है, क्योंकि जो एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट आप देखते हो इसमें क्या होता है, आपको जनरली लाइटर सेक्शन बनता है. जनरली आप देखते हो फॉर द ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम प्री स्ट्रेसिंग मटेरियल को प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमारा जो स्पान होता है, स्पान तो लंबा मिलता है बट इसकी जो थिकनेस होती है वो भी आपकी क्या होती है, वो कम होती है, इसके कारण कि ब्रिज का जो डेड वेट है, डेड लोड जो है वो कम हो जाता है. राइट, ड्यू टू लेस वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर साइज ऑफ कॉलम ऑफ फाउंडेशन इज लेस. तो अगर आपका डेड लोड ऊपर से कम आ रहा है तो आपको फाउंडेशन की साइज भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी. आप प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट डिक्रीजेज द क्रैक्स इन कॉन्क्रीट अंडर ऑल स्टेज ऑफ लोडिंग. तो इसमें क्या होता है, किसी भी कंडीशन में यहाँ पर क्रैक्स डेवलप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर नो टेंशन वाला जो है फॉर्मूला अप्लाई होता है ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट. नेक्स्ट वन इज द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज कंसिडरेबली रिड्यूस. डिफ्लेक्शन ऑफ बीम रिड्यूस हो जाता है और प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट रिक्वायर्स ओनली 1/3 ऑफ द कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड फॉर आरसीसी. ये भी आपका सही है. और सीयर स्ट्रेंथ का मोर होता है और यूजफुल फॉर लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया ब्रिज में, तो हम इसको जनरली ब्रिजेस और फ्लाईओवर में यूज करते हैं. तो इसके लिए इसका जो है ऑल द ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेन स्टॉर्म कैन कम्प्लीटली डिस्क्राइब द रेनफॉल एट अ प्लेस. तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है इन चारों में से, जो चार आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं इसमें से, जो कि रेन स्टॉर्म कैन कम्प्लीटली डिस्क्राइब द रेनफॉल एट अ किसी भी प्लेस पर रेनफॉल को डिस्क्राइब करता है कम्प्लीटली. तो इसमें से जो पॉइंट्स है वो है आपका, देखिए यहाँ पर कोई तीन चार पॉइंट्स दिए गए. इट इज द इंटेंसिटी ऑफ रेन. इंटेंसिटी ऑफ रेन क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट फॉल्स ओवर टाइम. ओके, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है वो होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ रेन, और हम इसको जनरली एक्सप्रेस करते हैं mm पर आवर में और सेंटीमीटर पर आवर में. राइट, नेक्स्ट होता है आपका ड्यूरेशन ऑफ द रेन. ड्यूरेशन ऑफ रेन क्या होता है, इट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच कंटिन्यूअस रेन इज ऑब्जर्व. तो एट विच ड्यूरेशन, एट विच पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूअस रेन हुआ है उस किसी भी पॉइंट पे या किसी भी एरिया में, वो द ड्यूरेशन ऑफ रेन. हाइटोग्राफ, तो थर्ड पॉइंट इज हाइटोग्राफ. हाइटोग्राफ क्या होता है आपका, हाइटोग्राफ होता है इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी ओवर द पीरियड. तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, रेनफॉल इंटेंसिटी और द पीरियड, मीन्स इस दोनों का जो है ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज द कॉल्ड हाइटोग्राफ्स. और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइंग द एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट रेनफॉल डेप्थ फॉर अ गिवन ड्यूरेशन. जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें जो है वो चारों पॉइंट्स जो है वो कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं रेनफॉल एट अ प्लेस को, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द रेन, ड्यूरेशन ऑफ द रेन, हाइटोग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेन. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द करेक्ट एजम्पशंस मेड इन टॉर्सन फॉर्मूला. तो इनमें से चारों में से जो है टॉर्सन का जो है कौन सा आपका एजम्पशंस है. तो आपने टॉर्सन में पढ़ा होगा, एजम्पशंस होते हैं कुछ टॉर्सन थ्योरी में. ओके, तो वहाँ पर आपको देख लीजिए कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं. तो एजम्पशंस जो है आपको यहाँ पर हमने डिफरेंट एजम्पशंस मेड इन टॉर्सन थ्योरी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. दैट इज वो कहता है कि शाफ्ट मस्ट बी स्ट्रेट एंड शुड हैव अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. क्या होना चाहिए आपका, जो शाफ्ट है आपका वो स्ट्रेट होना चाहिए और यूनिफॉर्म क्रॉसिंग होना चाहिए. द सियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट शुड नॉट एक्सीड द इलास्टिक लिमिट. जो सियर स्ट्रेस उसमें डेवलप होगा वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए. ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म. तो जो ट्विस्टिंग यहाँ पर जो होता है, राइट, मान लीजिए शाफ्ट है तो यहाँ पर जो ट्विस्टिंग होगा बोल रहा है कि वो रिमेन सर्कुलर इवन आफ्टर ट्विस्टिंग. ओके, प्लेन सेक्शन बिफोर प्लेन,
ट्विस्टिंग रिमेन प्ले आफ्टर ट्विस्टिंग, ओके, तो प्लेसन बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन प्ले आफ्टर ट्विस्टिंग भी यहाँ पर होना चाहिए, ये भी फॉलो करना चाहिए। तो आप देखिएगा कि इसमें जो फॉलो कर रहा है ऑप्शन, ये है आपका चारों ऑप्शंस यहाँ पर जो है वो एजम्पशंस में दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। मैच द ग्रिड ऑफ ब्रिक्स विद इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द IS 1071957 1970 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एज पर द कोड गिवन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको दिया गया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ आपको ब्रिक्स दिया हुआ है चार टाइप के, और यहाँ पर चार टाइप के ग्रेड्स दिए हुए। तो आपको बोल रहा है कि आप इसके बेस्ड ऑन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप इसके ग्रेड को क्या कीजिए, मैच कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होता है कि जो अगर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 140 kg/cm² है तो वो होता है आपका ग्रेड ए। ओके, वो क्या होता है, ग्रेड ए होता है। अगर आप 105 kg/cm² है तो वो होगा आपका ग्रेड ए। अगर आपका 70 kg/cm² है तो वो हो जाएगा आपका ग्रेड बी, और आपका 35 kg/cm² है तो वो हो जाएगा आपका ग्रेड सी। तो कि आप किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो है आपका जो ब्रिक होना चाहिए वो आपका सी ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो मीन्स उसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ जो उसकी होगी किसी भी ब्रिक्स की फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, वो आपकी शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 35 kg/cm², मीन्स इससे ज़्यादा ही होना चाहिए आपकी, राइट, मीन्स सी ग्रेड से। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन हमको एक बार याद है कि मुझे एक बार गेट में पूछा गया था कि किसी भी ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, तो वहाँ पर आपको 35 kg/cm² दिया हुआ या फिर 3.5 में आपको दिया हुआ होगा, तो उनमें से आपको ये मार्क करना है, राइट। अगर आपको मिनिमम पूछना तो आपको मिनिमम में आपको 3.5 या 35 kg/cm² आपको मार्क करना है। चलिए उसमें चलते हैं। मैथ सेक्शन 1 विद सेक्शन 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स एज गिवन इन बिलो। तो यहाँ पर आपको अलाइनमेंट दिया गया है सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में आपको दिया गया है टोपोग्राफी, ओके। तो इसको आपको बोल रहा है कि मैच करने के लिए, तो हम जानते हैं कि इसमें जो जिगजैग अलाइनमेंट होता है वो होता है आपको जिगजैग अलाइनमेंट जो आपका यूज होता है वो होता है आपका स्लोप विथ डीप वैलीज। क्रॉस कंट्री अलाइनमेंट होता है वो होता है आपका सैग एंड समिट एट सक्सेशन। स्विच बैक डेवलपमेंट होता है आपका 1 steep रेगुलर स्लोप, एंड वैली अलाइनमेंट होता है आपका 1 slope of valley। तो ये ऑप्शन जो है आपके करेक्ट होंगे इसके लिए, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं। अ सॉइल इंजीनियर कलेक्ट्स अ सैंपल ऑफ सॉइल व्हिच हैविंग मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 25 kg/m³, वाटर कंटेंट अवेलेबल इज 50% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड ऑफ द सॉइल इज 2.55, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ सॉइल मास। तो आपको निकालने बोला है कि पोरोसिटी क्या होगा, राइट। तो पोरोसिटी क्या होगा, आपको पोरोसिटी निकालने बोला है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको वाटर कंटेंट दिया हुआ है, इट इज द 50%, तो 50% को यहाँ पे 0.50 में लिखा गया है। गामा आपको दिया गया है, दैट इज द यूनिट वेट आपको दिया हुआ है 25 kg/m³। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.55। तो हम जानते हैं कि SC इक्वल टू क्या होता है, SC इक्वल टू होता है WG, रिलेशन आपने सबसे बेसिक जो टेक होता है उसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो SC इक्वल टू होता है, तो हम जानते हैं कि गामा बल्क, इसको मान लीजिए ये क्या है, गामा बल्क है, ओके। तो गामा बल्क इक्वल टू होता है G+SC गामा W/1+E। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, SC को चेंज कर दीजिए, किससे, SC चेंज कर दीजिए आप WG से, ओके। क्योंकि आपके पास E नहीं दिया हुआ, S नहीं दिया हुआ, आपके क्या दिया हुआ, आपको W दिया हुआ, G दिया हुआ है, तो आप SC को क्या कर दीजिए, WG से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फॉर्मूला, नया फॉर्मूला बन जाएगा G+WG × γW/1+E, राइट। तो आपको गामा बल्क दिया हुआ है, डेट इज यहाँ पर भी गामा बल्क जो आपका है वो 25 kg/m³, तो 25 यहाँ पुट कीजिए, जी 2.55 पुट कीजिए, W 0.5 है आपका, जी 2.55 है, और 9.81 आपका गामा W है, और 1+E, तो यहाँ से आपका E आ जाएगा। E है आपका वॉइड रेशियो, E क्या है आपका, E है आपका वॉइड रेशियो, तो वॉइड रेशियो आपका निकल जाएगा 0.50, ओके। तो यहाँ से आप पोरोसिटी निकालिएगा, तो पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है N=E/1+E। E आपको निकाल चुके 0.50, आप यहाँ पुट कीजिएगा तो आपके जाएगा 33% आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, दैट इज 33%। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एज्यूम इनिशियल वॉइड रेशियो E=E0, फाइनल वॉइड रेशियो E=P0 एंड फाइनल प्रेशर P, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी AV। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका AV इक्वल टू होता है आपका E0-E/P-P0, ओके। तो ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
एज पर द स्पेसिफिकेशन डिजाइन बाई रेलवे बोर्ड फॉर ट्रंक रूट ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक द डिजाइन स्पीड फॉर न्यू ट्रैक इज डैश एंड द मैक्सिमम स्पीड परमिसेबल इज डैश। तो बोल रहा है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा जो डिजाइन स्पीड फॉर न्यू ट्रैक है वो क्या है और मैक्सिमम स्पीड परमिसेबल वो क्या है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका 160 किलोमीटर पर आवर जो कि है आपका डिजाइन स्पीड, और मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड जो है वो है आपका 120 किलोमीटर पर आवर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच कंस्टिट्यूट द ऑफ ग्रुड गुड ब्रिक अर्थ एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स टू गिव येलो टिंट टू ब्रिक्स एंड डिक्रीज श्रिंकेज। तो बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से हम क्या ब्रिक में ऐड करते हैं। ओके, तो ब्रिक में हम क्या ऐड करेंगे, मान लीजिए ब्रिक है जिसमें कि उसमें आपको येलो टिंट देगा और आपको श्रिंकेज को डिक्रीज करेगा, तो उसमें जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं मैग्नीशिया। तो जब हम इसमें स्मॉल अमाउंट में मैग्नीशिया को यूज करते हैं तो वो क्या करता है आपको श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। ओके, श्रिंकेज को क्या करता है रिड्यूस करता है और उसमें थोड़ा सा येलो टिंट येलो कलर जो है थोड़ा सा उसमें प्रोवाइड करता है। राइट, इन द ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द फील्ड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा फील्ड, यहाँ पर फील्ड नहीं होगा, ये आपका होगा फ्लूड। ओके, तो यहाँ पे ये फ्लूड है। सो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फ्लूड है जो कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट है तो उसका विस्कोसिटी चेंज नहीं करेगा विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, तो उस टाइप का फ्लूड कहलाता है आपका न्यूटोनियन फ्लूड। तो उस टाइप का फ्लूड क्या कहलाता है आपका न्यूटोनियन फ्लूड कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अ प्रोजेक्ट इंजीनियर रिसीव्स अ लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ अ सैंपल ऑफ सॉइल हैविंग मोस्ट यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल इज 20.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट एवल इज 25% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड ऑफ द सॉइल इज 3.35, फाइंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ। ओके, ये ऑफ है ऑफ द सॉइल। ओके, तो आपको निकालना है ड्राई यूनिट वेट, मीन्स गामा डी आपको निकालना है। आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर दिया गया है गामा बल्क, गामा बल्क आपका हो गया गामा बल्क इक्वल टू 20.5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, डब्ल्यू दिया हुआ वाटर कंटेंट 0.25, तो गामा डी का फॉर्मूला होता है आपका गामा बल्क डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो गामा बल्क को 20.5 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.25 का आंसर आएगा 16.4 किलोमीटर पर मीटर क्यूब विल बी योर आंसर। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। The type of concrete in which preliminary tests are performing for designing the mix and it is also used for all the 7 types of grade of cement is known as. तो बोल रहा है कैसा कौन सा the type of concrete है जिसमें preliminary test हम perform करते हैं for designing the mix and it is used for all the 7 type of grade of cement. तो इसमें जो होता है वो होता है आपका controlled concrete होता है, वो क्या होता है आपका controlled concrete होगा। Okay, next पर चलते हैं। In the soil mechanics and foundation engineering, the ratio of density of solid to that of the water at a given temperature is termed as dash of soil surface. तो क्या बोल रहा है कि ratio of density of solid and the that of water जो होता है वो होता है आपका specific gravity. Specific gravity को हम g से denote करते हैं। Okay, that is equal to क्या होता है rho s divided by rho w. यहाँ पे gamma s और gamma w भी हो सकता है, गामा एस डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इन एन ओपन फील्ड टू पैरेलल पाइपलाइंस आर टू बी कनेक्टेड बाय अ रिवर्स कर्व, ईच सेक्शन हैविंग द सेम रेडियस, इफ द सेंटर लाइंस आर 20 मीटर अपार्ट एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट पॉइंट इज 40 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल रेडियस दैट कैन यूज। तो बोल रहा है कि एक ओपन फील्ड में दो पैरेलल पाइपलाइंस है जो कि कनेक्ट किया गया रिवर्स कर्व से। ओके, तो रिवर्स कर्व से क्या किया गया, उसको कनेक्ट किया गया पाइपलाइंस को, एंड ई सेक्शन हैविंग द सेम रेडियस, तो जो दोनों का सेक्शन होता है, दोनों का जो रेडियस होता है इसका, एक रेडियस यहाँ पे होगा इसका आर वन और एक रेडियस यहाँ पे होगा इसका आर टू, तो आर वन आर टू, तो बोला दोनों का सेम है। आर वन क्या है, आर वन इक्वल टू क्या है आपका आर टू है, तो इफ द सेंटर लाइंस आर 20 मीटर अपार्ट एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट पॉइंट इज 40 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल रेडियस, तो मैक्सिमम अलाउएबल रेडियस जो होगा वो आपका हो जाएगा 20 मीटर। ओके, तो मैक्सिमम अलाउएबल रेडियस जो है वो आपका हो जाएगा 20 मीटर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। व्हिच टाइप ऑफ बीम इज सपोर्टेड ओनली एट वन एंड बाय बीइंग बिल्ट इनटू अ वॉल। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा बीम है जो कि सिर्फ एक एंड पे सपोर्ट होता है, तो वो बीम होता है आपको
कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम आप जानते हो क्या होता है, आपको क्या होता है एक एंड पे वो क्या होता है आपका सपोर्टेड होता है, सो दैट इज कॉल्ड द कैंटिलीवर बीम। दूसरे एंड पे क्या होता है फ्री होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच रिड्यूसिंग केमिकल सच एज सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम ट्राइसल्फाइड एंड सोडियम सल्फाइड इज एडेड टू रिमूव अनवांटेड रेसिडुअल ऑफ क्लोरीन फ्रॉम वाटर। तो बोल रहा है कि आप उस प्रोसेस का नाम बताइए जहां पर कि केमिकल को रिड्यूस करने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइसल्फाइड एंड सोडियम सल्फाइड को यूज करते हैं टू रिमूव द अनवांटेड रेसिडुअल ऑफ क्लोरीन फ्रॉम वाटर। तो वो जो प्रोसीजर कहलाता है आपका, वो प्रोसेस कहता है आपका क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन हम क्या करते हैं कि एक्सेस क्लोरीन जो होता है, एक्सेस क्लोरीन जो होता है आपका, उसको हम क्या करते हैं एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करते हैं। ओके, तो एक्सेस क्लोरीन को आप रिमूव करते हो पानी से, तो उसमें क्या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीक्लोरीनेशन। ओके, डीक्लोरीनेशन हम उसको कहते हैं, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं, डैश इज अ जियोग्राफिकल फॉर्मेशन दैट डज नॉट यील्ड वाटर फ्रीली टू वेल ड्यू टू लेसर परमेबिलिटी। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जहां से कि वाटर फ्रीली यील्ड नहीं हो सकता है टू वेल ड्यू टू लेसर परमेबिलिटी। तो उस टाइप का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है आपका एक्विटार्ड। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं, डैश इज अ क्रूड इम्प्योर आयरन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर्स। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा इम्प्योर आयरन है जो कि हम आयरन ओर्स निकालते हैं क्रूड। ओके, तो वो जो आयरन होता है वो होता है आपका पिग आयरन। पिग आयरन क्या होता है आपका इम्प्योर आयरन होता है। ओके, इम्प्योर आयरन होता है जो कि वहां से हम आयरन ओर से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन हैज टू रन ऑन अ ब्रॉडगेज ट्रैक हैविंग अ कर्वेचर ऑफ 3 degrees एंड कैंट ऑफ 100 mm, What would be the maximum permissible speed of this train in the allowable Kahn deficiency 76 mm? कि आप निकालिए मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड, तो मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड आपको निकालने बोल रहा है जहां पर कि आपको दिया गया है, क्या आपको दिया गया है Kahn deficiency दिया हुआ है 76 mm, कर्वेचर का डिग्री दिया हुआ है एंड कांट दिया हुआ है आपका 100 mm। ओके, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रॉडगेज जो है वो आपका क्या है, इसका गेज क्या था, इसका गेज था 1.7676 मीटर। ओके, जो गेज होता है लेंथ होता है उसका होता है 1.676 मीटर, मींस दैट इज इक्वल टू 1676 mm होता है। तो मैक्सिमम अलाउएबल सुपरलेशन जो है, मैक्सिमम अलाउएबल सुपरलेशन को आप ETS यहाँ पे नोट किया, तो मैक्सिमम अलाउएबल सुपरलेशन जो होगा वो होगा आपका ई एक्चुअल प्लस कान डिफिशियंसी। ओके, ई एक्चुअल जो है वो आपको दिया गया है दैट इज द 100 mm। ओके, 100 mm होगा 0.1 मीटर प्लस कान डिफिशियंसी दिया होगा 76 mm, ये हो गया आपका 0.076 मीटर। तो टोटल जो एक्चुअल एलोएबल सुपरलेशन है वो आपका आ गया 0.176 मीटर आ गया, ठीक है। अब आपको निकाल लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, कर्वेचर का फॉर्मूला जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का क्या होता है 1720 / d, d दिया हुआ है आपका 3 degrees, तो 1720 / 3 = 573.33 मीटर आपका आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप ETS जो मैक्सिमम अलाउएबल सुपरलेशन है उसमें आप पुट कीजिए, उसमें आप पुट कीजिए, आप जानते हैं क्या था होना GV² / 0.27R। तो यहाँ से आप ETS की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आपने निकाली हुई है ऑलरेडी, G 1.676 पता है आपको और R भी आपको पता है 573.33, तो यहाँ से आपका V निकल जाएगा, तो V मैक्स आपका आ जाएगा 87.6 kmph। ओके, 87.6 है जो kmph जाएगा, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली रहेगा ना, वो आपका फ्रंट रहेगा 87.6 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो जो नियरली जो ऑप्शन है वो आपका कट हो जाएगा, नियरली ऑप्शन यहाँ पे 88.2 है, तो वो आपका नियरली ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द टाइप ऑफ कॉन्क्रीट इन विच इंटरनल स्ट्रेसेज आर इंटेंशनली इंड्यूस्ड इन अ प्लैंड मैनर सच दैट द स्ट्रेसेज resulting from the superimposed loads get contracted to a desired degree। बोल रहा है कि कॉन्क्रीट में हम ऐसा कब करते हैं, किस टाइप के कॉन्क्रीट में करते हैं, जब हम इंटरनल स्ट्रेस को हम जानबूझ के पहले उसमें इंड्यूस्ड करते हैं इन अ प्लान मैनर, जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्टेड जो डिजायर्ड डिग्री वहां पे मिल रहा है लोड्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वो कैंसिल आउट हो जाए। तो वो हम करते हैं किसमें, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में। प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में जो अब आप क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो यहाँ पे आप क्या करते हो, ये मान लीजिए आपका बीम है, तो आप यहाँ पर बार को इंसर्ट करके आप उसको पुल आउट करते हो, तो इसमें
इनिशियली क्या होता है कि आपको टेंसाइल टेंसाइल जो है आपको स्ट्रेस जनरेट होता है। ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा तो आपका डिफ्लेक्शन किस तरह से होगा इस बीम का, इस बीम का डिफ्लेक्शन इस तरह से होगा, इस बीम का डिफ्लेक्शन क्या होगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्क्रीट सेक्शन है, कॉन्क्रीट सेक्शन क्या होता है, कॉन्क्रीट सेक्शन में क्या होता है, वीक इन टेंशन होता है। ओके, वीक इन टेंसाइल होता है। तो वीक इन टेंशन तो हम यहाँ पे क्या इंड्यूस्ड किए इनिशियली स्ट्रेसेस, जिसमें कि क्या होगा जब आप यहाँ पे लोड पड़ेगा इसका तो ये क्या होगा, यहाँ से कौन इस स्ट्रेस से यहाँ से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा। ओके, मीन्स कैंसल हो जाएगा। तो हम जो ये पुट करते हैं, ये पुट करते हैं हम प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब 58 kN कंप्रेसिव लोड इज अप्लाइड टू अ 7 cm डायमीटर 2 cm टॉल एल्यूमिनियम सिलेंडर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन मेगा पास्कल। तो बोल रहा है कि एक 58 kN का कंप्रेसिव लोड अप्लाइड किया गया किसमें, 7 cm डायमीटर 2 cm टॉल एल्यूमिनियम सिलेंडर पे। तो आप बोला स्ट्रेस निकालें, तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आप जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, आपको पहले निकालना होगा एरिया और आपको निकालना होगा फोर्स। यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपको क्या दिया हुआ है, आपको लोड दिया हुआ है, राइट। तो लोड को आप आपको मान लीजिए फोर्स, ठीक है, तो 58 kN दिया हुआ है तो आप इसको कर लीजिए। आपको निकालने बोला है किसमें, आपको निकालने बोला है मेगा पास्कल में, मीन्स मेगा पास्कल मीन्स न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आपको निकालने बोला है, राइट। तो आप उसको लोड होकर न्यूटन में चेंज कर लीजिए, 58 kN। डायमीटर आपको दिया हुआ है 7 cm, आप कर लीजिए 70 mm। तो एरिया क्वेश्चन क्या जाएगा, एरिया क्वेश्चन जो होता है वो होता है आपका किसी भी सर्कल का सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर का ये वाला एरिया क्या होगा, सर्कुलर होगा, राइट। तो आप इसका हो जाएगा π/4d², तो π/4d² हो गया आपका, हो गया आपका 3846.5 mm². तो ये हो गया आपका एरिया। तो अब आपको क्या कीजिए, जो ये आपका लोड है डिवाइड बाई एरिया कर दीजिए, मीन्स 58 divided by 3846.5 आपका गया 15.0 N/mm², ओके, 15.0 N/mm² हो गया आपका आंसर। तो यही जो है आपका क्या होगा, मेगा पास्कल हो गया, ठीक है। तो जब कट ऑफ होगा आपका फ्रॉम 3, इट इज द 15.08 mm² करेक्ट आंसर हो गया, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अ 10 inch लॉन्ग सिल्वर वायर इज स्ट्रेस टूअर लॉन्ग लेंथ ऑफ 11.5 inches, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ। तो बोल रहा है कि एक सिल्वर वायर था, सिल्वर वायर को क्या किया गया, इसकी लेंथ थी कितनी, इसकी लेंथ थी आपकी 10 inch थी, 10 inch की लेंथ थी, ओके। तो इसको बोल रहा है कि स्ट्रेच किया गया, तो इसकी जो लेंथ हो गई वो अब बढ़ के हो गई कितनी, इसकी जो लेंथ थी वो बढ़ के हो गई आपकी 11.50 हो गई आपकी इसकी लेंथ। तो 11.5 जो लेंथ हो गई, तो आपको चेंज इन लेंथ निकालना। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज कितना हुआ आपका, चेंज हुआ था आपको 1.5 inch, ओके। तो 1.5 inch डिवाइड बाय 10 inch जो ओरिजिनल लेंथ था, तो स्ट्रेन जो आ गया आपका, दैट इज आ गया आपका 0.15 इज द आंसर। तो स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेन आपका होता है यूनिटलेस, यूनिटलेस होता है स्ट्रेन, ओके। तो स्ट्रेन यूनिटलेस होगा, तो यहाँ पर आपको दोनों का यूनिट है, चेंज इन लेंथ का यूनिट और ओरिजिनल लेंथ का यूनिट आपको सेम रखना पड़ेगा। तो दोनों को आप सेम रखिएगा तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो ये पॉइंट मिलेगा, आपको स्ट्रेन मिलेगा, वो आपको यूनिटलेस मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ बकलिंग। तो बकलिंग का बोल रहा है कि जो चार पॉइंट है इसमें से कौन जो है बकलिंग का कॉजेज नहीं है, मीन्स बकलिंग को होने के होने का कारण नहीं है, राइट। तो इसमें से जो है वो है आपका ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल ट्रैक इन विंटर, ओके। तो रेल ट्रैक का कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है वो आपका बकलिंग का वो जो है वो रीजन नहीं है, ओके। चलिए इसको चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग इज एसोसिएटेड विद द फेल्डस्पार विच कैन बी फाउंड इन ग्रेनाइट चेंजिंग टू क्ले। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है केमिकल वेदरिंग इज एसोसिएटेड विद द फेल्डस्पार विच कैन बी फाउंड इन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पाया जाता है चेंजिंग टू क्ले, ओके। तो वो जो आपका टाइप है वो कहलाता है आपका हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस इज अ केमिकल केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन कंबाइंड विद वाटर, ओके। याद रखिएगा आप, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिसिस इज फेल्सपार इन ग्रेनाइट रॉक चेंजिंग टू क्ले। ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस दिस इज द प्रोसेस दैट कॉजेज रस्ट। तो ऑक्सीडेशन कारण क्या होगा, रस्ट होगा, राइट। ऑक्सीजन कारण रस्ट होगा, बट जो ये यहाँ पर ग्रेनाइट चेंजिंग टू क्ले हो रहा है वो होगा आपका हाइड्रोलाइसिस के कारण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डैश इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर इलास्टिक फ्लड मटेरियल्स विच डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द मटेरियल। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मटेरियल प्रॉपर्टीज है किसी भी सॉलिड मटेरियल्स में जो कि
स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है तो वो होता है आपका यंग्स मॉडुलस। तो आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यही जो आपका, मान लीजिए कि अगर आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटाइएगा, मान लीजिए इक्वल टू कीजिएगा तो आपका हो जाएगा स्ट्रेस, और यहाँ पे इक्वल टू कीजिएगा तो आपको कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंट इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। तो यही जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है, वो कॉन्स्टेंट आपका है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो वही बोल रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, यंग्स मॉडुलस। ओके, यंग्स मॉडुलस या फिर उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हो। सो दैट इज सिग्मा इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, ई इंटू एप्सिलॉन होता है, ई इंटू एप्सिलॉन होता है। तो दिस इज कॉल्ड द व्हाट, यंग्स मॉडुलस। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ एच वन इज हाइट ऑफ लिक्विड सर्फेस अबव द ऑरिफिस टॉप, एच टू इज द हाइट ऑफ लिक्विड सर्फेस अबव द ऑरिफिस बॉटम, बी इज द विड्थ ऑफ ऑरिफिस एंड सी डी इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज नोटेड बाय क्यू। तो किसी भी ऑरिफिस में जो डिस्चार्ज आपको डिनोट करना है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2CD into B under root 2G bracket में H2 to 3/2 minus H1 to 3/2 divided by 3। So यह आपका that is the expression to calculate the discharge noted by Q। Next one चलते हैं। There are three distinct stages occur in the natural process of sludge digestion due to biological action. What is the name of first stage? आपको पूछा है कि what is the name of the first stage, बताइए, in which fresh sewage sludge is acted upon by anaerobic and facultative bacteria which decompose easily available food matters। ओके, तो बोल रहा है कि anaerobic and facultative bacteria के कारण जो decompose हो रहा है that easily available food matters, तो वो कौन सा stage है, first stage में जो हो रहा है वो क्या है। ओके, तो वो कहलाता है आपका acid fermentation। ओके, तो the first stage in which fresh sewage sludge is acted upon by anaerobic and facultative bacteria which decompose easily available food matters is called the एसिड फर्मेंटेशन। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम एसिड फर्मेंटेशन। ओके, चलिए लोग सब चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज करेक्ट टू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेस बी एस, एज्यूम शियर फोर्स इन द सेक्शन क्यू, लीवर आर्म इक्वल टू जेड डी एंड सम ऑफ द पैरामीटर पेरीमीटर ऑफ बार्स इज एस। तो बोल रहा है कि वॉट इज द फॉर्मूला टू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेस, तो बॉन्ड स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका बी एस इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई जेड डी इंटू एस। ओके, मीन्स जो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस है भी होता है आपका सीयर फोर्स एट स्ट्रेस सेक्शन क्यू डिवाइड बाय लीवर आर्म जे डी इंटू सम ऑफ पेरीमीटर, तो आपका हो गया बी एस इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय जे एस इंटू एस, जे डी इंटू एस। ओके, तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द रिजिड डैम विच इज कंस्ट्रक्टेड ईदर विद स्टोन और ब्रिक मशीनरी और मास। हो गए, तो यूज ऑफ ब्रिक मशीनरी और मास, कॉन्क्रीट और स्टोन, जो रिजिड डैम बनता है वो होता है आपका सॉलिड ग्रेविटी डैम। तो सॉलिड ग्रेविटी डैम जो होता है वो जनरली हम मैसनरी से कंस्ट्रक्ट करते हैं, लाइक ब्रिक हो गया, सॉयल हो गया, स्टोन हो गया, और मास कॉन्क्रीट से भी यूज कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटी डैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू डेट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच रिमेन कॉन्स्टेंट विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड, ये जो है ये कॉल होता है आपका लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो कहलाता है आपका पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है आपका लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा वो आपका कहलाएगा पॉइजन रेशियो। के लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड पॉइजन। जनरली हम इसको म्यू से डिनोट करते हैं या फिर एम से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये आपको हो गया पॉइजन रेशियो। नेक्स्ट में चलते हैं, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एरेशन प्रोसेस। तो एरेशन जब हम करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, तो उसका मेन डिसएडवांटेज बोल रहा है क्या है, तो उसका जो मेन डिसएडवांटेज होता है वो होता है आपका एक्सेस एरेशन एब्जॉर्ब टू मच ऑक्सीजन एंड डस वाटर बिकम्स कोरोजिव। जो वो एरेशन में ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वाटर का वाटर वो आपका कोरोजिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉइल इंजीनियर कलेक्ट अ सैंपल ऑफ सॉइल हैविंग मॉइस्ट लिटबेट ऑफ अ सॉइल इज 24.5 किलो पर मीटर क्यू, वाटर कंटेंट अवेलेबल इज 10% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल ऑफ द सॉइल इज 2.5, वॉट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल। आपको निकालना है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल क्या है, जहाँ पर कि आपको दिया गया है वाटर कंटेंट दिया हुआ है आपको, गामा बल्क दिया हुआ है आपको, जी दिया हुआ है, तो आप जानते हैं सी इक्वल डब्ल्यू जी, सेम मेथड से आप इसको यूज कीजिए। तो आप गामा बल्क के फॉर्मूले में आप एस सी को क्या कीजिए, एस सी को
डब्ल्यू जी से कन्वर्ट कर लीजिए, ओके। तो डब्ल्यू से कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ से निकलेगा वॉइड रेशियो, तो वॉइड रेशियो आपका हो जाएगा ई इक्वल टू 0.101। फिर आप इसको क्या कीजिए, एस सी इक्वल डब्ल्यू से पुट कीजिए, यहाँ से आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन मिल जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू आपको दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, ई आप यहाँ से निकाल लियो, ई यहाँ डिवाइड होगा और इंटू 100 कर दिए तो परसेंटेज निकल जाएगा, तो 247%। तो आप इसको इक्वल टू 250% पे जो ऑप्शन है आपका नियर बाय वो आप लिख सकते हो, दैट इज ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ सर्वे रिज्यूम्स पी एज डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई हैविंग स्लोप एस, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट स्लोप का। तो स्लोप करेक्शन को जो कैलकुलेट करने का बोल रहा है कि पॉइंट एक्स और वाई है यहाँ पे, ठीक है, ये एक लाइन है और यहाँ पे क्या स्लोप है इस तरह से, क्या इस तरह से ये स्लोप है, ओके। तो ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है आपका वाई, तो बोल रहा है कि स्लोप जो है वो आपका एस है, ओके। तो पी क्या है, पी इज द डिफरेंस, ये हाइट का जो है वो आपको दिया हुआ है, पी एज्यूम पी एज अ डिफरेंस इन एलिवेशन, जो बॉटम का और यहाँ का एलिवेशन क्या है पी है और स्लोप आपका क्या है एस है, तो जो स्लोप करेक्शन होगा वो आपका हो जाएगा, स्लोप करेक्शन विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2s। अगर आपके पास कहीं स्लोप इस तरह से नंबर में नहीं दिया हुआ है तो आपको थीटा में दिया हुआ है, मान लीजिए ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका एल माइनस एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पर थीटा, तो आपको ये फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आपको स्लोप दिया हुआ तो आपको पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो बट आपको याद रखना है कि जो करेक्शन होता है, दिस करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, क्या होता है ये करेक्शन, ये आपका हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 10 मीटर एल्यूमिनियम फ्लैग पोल इज इंस्टॉल्ड एट 30 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर 2 डेज द टेम्परेचर ड्रॉप्स एट 2-10 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच डज द हाइट चेंज ऑफ द फ्लैग पोल इन mm, में आपको निकालना है कि कितना हाइट चेंज हुआ उस फ्लैग पोल में, आपको थर्मल कोफिशियंट एक्सपेंशन कोफिशियंट दिया हुआ, इट इज द 23 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको कैसे निकालेगा, आप निकालेगा इसको कैसे, मान लीजिए कि ये पोल था, ये पोल था, इसकी हाइट थी पहले, इसको मैं डेल्टा टी कितना हुआ, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर बोल रहा है कि 30 डिग्री पर आपको ये क्या हुआ इंस्टॉल हुआ है, 30 डिग्री पर इंस्टॉल हुआ है और टेम्परेचर क्या हुआ ड्रॉप कर गया -10 से, तो -10 क्या हुआ -10 टेम्परेचर पहुंच गया, तो आपको टोटल जो डेल्टा टी निकला वो हो गया आपका कितना 40 डिग्री का आपको डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर। तो आप इसमें क्या निकले, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, देखिए डेल्टा एल होता है एल अल्फा डेल्टा टी, एल आपको दिया हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है 10 इंटू अल्फा दिया हुआ है 23 × 10⁻⁶ और टी हो गया आपका 40 डिग्री, क्यों, क्योंकि 30 डिग्री था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में 30 डिग्री था और फिर वहां से क्या हुआ 30 डिग्री से आपको घट के कितना हो गया -10 हो गया, था वो टोटल कितना रिड्यूस हो, टोटल आपका रिड्यूस हो 40 डिग्री, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर रहेगा 9.2 mm, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द इक्विलिब्रियम सुपरवोल्यूशन और कैंट नेसेसरी फॉर एनी स्पीड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला, तो जो इक्विलिब्रियम सुपरवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सी इक्वल टू जी बी स्क्वायर बाय 127 r। अगले क्वेश्चन चलते हैं, एज पर आईएस 456/1978 द कॉन्क्रीट मिक्सेस हैव बीन डिजिग्नेटेड इनटू 7 ग्रेड्स, व्हिच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग 7 ग्रेड्स इज नॉट द करेक्ट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स। तो बोल रहा है कि आपको यहाँ पर 7 ग्रेड्स दिया गया है, ओके, अकॉर्डिंग टू आई एस 456/1978, तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा जो है आपका करेक्ट ग्रेड नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो आई एस 457/1978 आपको होता है एम, इसमें दिया गया एम 10, एम 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो इसमें जो 10 to 40 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ 50 मीटर क्यूब में, आप उसको मेजर करते हो राइट, 50 मीटर क्यूब में आप इसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते, 20 डेज में जो स्ट्रेंथ आती है वो होती है आपकी दिस एम की वैल्यू होती है, ठीक है, न्यूटन पर एम स्क्वायर में, ओके। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू दिया हुआ है 100 आपको दिया गया है, नॉट न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये आपको दिया गया है के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ओके। तो आप देखोगे कि इसमें 10, 15, 20, 25, बट यहाँ पे आपको 10 ये 5 नहीं होगा, ओके, दिस एम 50 लिखा हुआ ये यहाँ पर नहीं है, मीन्स 5 तो नहीं है, 10 स्टार हो रहा है राइट, 5 तो नहीं है ना, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा आपका एम 50 हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 10 से स्टार्ट हो रही है और 40 तक जा रही है, तो आपकी जो यहाँ पर 5 जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो 5 इज द इनकरेक्ट वन, ओके, मीन्स एम 50, क्योंकि ये के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो आप इसमें एक जीरो और लगाइएगा तो आपका जाएगा 50, सो दैट इज द नॉट इन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स।
थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.